पर उदयपुर से, जहां पर सीपीए भारत क्षेत्र का नौवां सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है सुबह 11:30 बजे। स्पीकर ओम बिरला सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। सम्मेलन से पहले सीपीए कार्यकारी समिति की बैठक होगी। लोकसभा अध्यक्ष और तमाम जो देश के विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष, सभापति हैं, सब इस वक्त सीपीए की बैठक के लिए उदयपुर में मौजूद हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। बैठक में राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी भी मौजूद है। तो आपको बता दें, अब से कुछ ही देर में सीपीए शुरू होगा, सीपीए का सम्मेलन। सम्मेलन से पहले सीपीए कार्यकारी की जो समिति है उसकी बैठक चल रही है ओम बिरला की अध्यक्षता में। बैठक में राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना उपस्थित हैं, महाराष्ट्र स्पीकर राहुल नार्वेकर, असम स्पीकर विश्वजीत डैमरी मौजूद हैं, उत्तराखंड स्पीकर ऋतु खंडूरी, सांसद उदय प्रताप सिंह भी मौजूद हैं। बैठक में सम्मेलन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हो रही है। ये बैठक की कुछ तस्वीरें जो कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन का जो कार्यकारी समिति है उसकी बैठक इस वक्त चल रही है। स्पीकर ओम बिरला और विधानसभा के स्पीकर सीपी जोशी, साथ ही साथ आप देखिए उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, आसाम के भी स्पीकर इस कार्यकारी समिति की बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। सम्मेलन से पहले सीपीए कार्यकारी समिति की बैठक हो रही है। किस तरीके से सम्मेलन चलाया जाएगा, कौन कौन से मुद्दों पर चर्चा होगी, क्या विषय रहेंगे सीपीए के और क्या तैयारियां की जानी चाहिए, ये सब इस कार्यकारी समिति की बैठक में तय हो रहा है। आज उदयपुर में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन सम्मेलन है। ये नौवां सम्मेलन राजस्थान में आयोजित हो रहा है और राजस्थान के लिए गौरव का विषय है। उदयपुर में भव्य तैयारियां इस सम्मेलन के लिए की गई हैं। देश भर के जो विधानसभा के स्पीकर्स हैं वो इस बैठक के लिए पहुंचे हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है और समिति, कार्यकारी समिति की बैठक के बाद जो कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन का सम्मेलन है उसकी अध्यक्षता भी स्पीकर ओम बिरला ही करेंगे। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। सीपीए भारत क्षेत्र के नौवें सम्मेलन से पहले कार्यकारी समिति की बैठक चल रही है और इस कार्यकारी समिति की बैठक में उत्तराखंड के स्पीकर ऋतु खंडूरी, सांसद उदय प्रताप और साथ ही असम स्पीकर विश्वजीत डैमरी मौजूद हैं, महाराष्ट्र स्पीकर राहुल नार्वेकर मौजूद हैं और साथ ही उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना भी इस कार्यकारी समिति की बैठक में उपस्थित हैं। बैठक में राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी भी मौजूद हैं और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। हमारे सहयोगी दिनेश डांगी लाइव जुड़ गए इस खबर पर। सीधा दिनेश डांगी का रुख करेंगे। दिनेश, सीपीए सम्मेलन इससे पहले कि शुरू, उससे पहले कार्यकारी समिति की बैठक चल रही है, कार्यकारी समिति की बैठक का क्या एजेंडा होता है दिनेश? जी देखिए, लेक सिटी, झीलों की नगरी और मरुभूमि के लिए आज गौरव के पल है कि नौवीं जो इंडिया रीजन की बैठक है सीपीए की, वो लेक सिटी उदयपुर में यहाँ पर हो रही है। सुबह 11:30 बजे इस दो दिवसीय सम्मेलन का लोकसभा स्पीकर ओम बिरला आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले जो सीपीए की बैठक है वो हो रही है और कई अहम मसलों पर चर्चा हो रही है। और इस सम्मेलन का जो विषय रखा गया है, लोकतंत्र को किस तरह और मजबूत किया जाए, किस तरह उसका सशक्तिकरण हो, इस विषय पर दो दिन मेवाड़ की धरा पर है। वो विभिन्न राज्यों की विधानसभा के आए स्पीकर, सेक्रेटरी, विधान परिषद के सभापति हैं, वो इस पर मंथन करेंगे। तो फिलहाल ओम बिरला की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है जिसमें उत्तर प्रदेश विधानसभा के स्पीकर सतीश महाना मौजूद है, राजस्थान विधानसभा के स्पीकर है सीपी जोशी मौजूद है और थोड़ी देर में सीएम अशोक गहलोत है, वो नन्हनी यहाँ पर पहुँचेंगे और वो भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। और जिस तरह सोशल मीडिया का दौर है, डिजिटल क्रांति हुई है, उसमें किस तरह लोकतंत्र का सशक्तिकरण हो और राजनेताओं की, जनप्रतिनिधियों की उसमें क्या महती भूमिका हो, इन तमाम मसलों पर इस दो दिवसीय सम्मेलन में मंथन होगा। क्या क्या सम्मेलन में, किस सेशन में किसका व्याख्यान होना है, संबोधन होना है, यह इसी बैठक में इसी पर डिस्कशन चल रहा है कि किस तरह इस सम्मेलन को आगे ले जाना है। और कल आखिरी दिन 22 अगस्त को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और राज्यपाल कलराज मिश्र, उनका समापन सत्र में संबोधन होगा। करीब 25 राज्यों की विधानसभा के स्पीकर
और 7 से ज़्यादा विधान परिषद के सभापति है वो यहाँ पर पहुँचे हैं। होटल ताज अरावली में यह सम्मेलन होगा और सुबह 11:30 बजे इसका आगाज होगा और उससे पहले सीपीए कार्यकारी समिति की बैठक हो रही है जिसमें स्पीकर सीपी जोशी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और जो इसके मेंबर है वो मौजूद है और थोड़ी देर बाद सीएम अशोक गहलोत भी इस बैठक का हिस्सा बनेंगे। तो 2 दिन सम्मेलन किस दशा और दिशा में आगे ले जाना है, किस किस का संबोधन होना है, ये इस बैठक में यहाँ पर हो रहा है। और सबसे पहले जो सच बेधड़क पर आप देख सकते हो एक्सक्लूसिव वो वीडियो विजुअल जहाँ किस तरह ये बैठक यहाँ पर जारी है, जो कार्यकारी समिति की बैठक है उसका विजुअल भी दिनेश देखा दर्शकों ने। दिनेश, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन की इस बैठक को लेकर डिटेल में आपसे चर्चा करेंगे, उससे पहले ये जानना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस वक्त क्या बैठकें ले रहे हैं, इस वक्त सर्किट हाउस में सीएम मौजूद है और नेताओं के आने का सिलसिला जारी है। जी बिल्कुल, सीएम अशोक गहलोत फिलहाल जो उदयपुर का सर्किट हाउस है वहाँ पर मौजूद है और काफ़ी तादाद में पार्टी के वर्कर्स, पदाधिकारी और लीडर्स हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। सीएम अशोक गहलोत उनसे मुलाकात करेंगे और मुलाकात के बाद सीएम अशोक गहलोत इस बैठक में पहुँचेंगे और 11:30 बजे जो शुभारम्भ सत्र होगा, उद्घाटन सत्र होगा, उसमें उनका संबोधन भी होगा और रात को सीएम अशोक गहलोत की तरफ से मेहमान नवाजी की जाएगी। इन तमाम जो स्पीकर्स हैं, अन्य जो लीडर्स आए हैं उनकी अपनी तरफ से वो उनको डिनर देंगे, उनके सम्मान में रात्रि भोज देंगे, ये सीएम अशोक गहलोत का शेड्यूल रहेगा। और आज भी रात्रि विश्राम नंदिनी सीएम अशोक गहलोत लेक सिटी झीलों की नगरी में करेंगे और कल भी सम्मेलन के जो समापन सत्र है उसका सीएम अशोक गहलोत हिस्सा बनेंगे और कल उनका उदयपुर से जयपुर वापसी का कार्यक्रम है। तो थोड़ी देर बाद सीएम अशोक गहलोत होटल ताज अरावली में पहुंचेंगे। उदयपुर शहर से दूर पहाड़ी की वादियों में ये एक कह सकते हैं कि शानदार नंदिनी रिसोर्ट है, आपको इसका नज़ारा दिखाते और किसी भी मीडिया कर्मी को या अन्य लोगों को अंदर बिल्कुल एंट्री यहां पर नहीं दी जा रही। पहाड़ी के एकदम तलहटी के करीब ये ताज अरावली रिसोर्ट है और यहाँ कांग्रेस का चिंतन शिविर भी हुआ था जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी हिस्सा बने थे और एक बार फिर नोवा सीपीए भारत क्षेत्र सम्मेलन है वो यहाँ पर हो रहा है और यहाँ पर बड़े बड़े होर्डिंग्स भी लगाए गए हैं और राज्यसभा के जो उपसभापति है हरिवंश राय वो भी यहाँ पर मौजूद है। तो उद्घाटन सत्र में ओम बिरला, सीएम अशोक गहलोत, राज्यसभा उपसभापति हरिवंश राय, राजस्थान विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ है उनका यहाँ पर संबोधन होगा। किस तरह लोकतंत्र को मजबूत किया जाए, किस तरह डिजिटल क्रांति और सोशल मीडिया के दौर में उसको मजबूत किया जाए और राजनेताओं की, जनप्रतिनिधियों की किस तरह उसमें भूमिका हो, ये इस सम्मेलन का 2 दिन का जो एजेंडा है वो यहाँ पर रहेगा। तो लगातार जो विधानसभा के स्पीकर्स हैं अलग अलग होटल्स में उदयपुर में रुके हैं उनका आने का यहाँ सिलसिला शुरू हो चुका है क्योंकि जो समिति की बैठक जारी है उसमें जो पदाधिकारी है, मेंबर्स है, वही बैठक में मौजूद है और 11:30 बजे विधिवत सम्मेलन का आगाज करेंगे ओम बिरला। जी जी बिल्कुल दिनेश, जैसा कि आपने बताया कि सीपीए से पहले ये जो समिति की, कार्यकारी समिति की बैठक चल रही है इसमें 2 दिन का ये जो सम्मेलन होने वाला है उसका क्या रोड मैप रहेगा, किस तरीके से कौन कौन से विषयों पर चर्चा होगी, इस पर चर्चा हो रही है। मैं अगर आपसे जानना चाहूँ सीपीए, चूंकि ये नौवा सम्मेलन है कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन का, किस तरीके से शुरुआत हुई थी कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन की और इसके पीछे का एजेंडा क्या रहा था, ये भी आपसे जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, इसका हेडक्वार्टर है वो लंदन के अंदर है और इसके अंतर्राष्ट्रीय जो शख्सियत है इसके संस्था के प्रमुख वो भी यहाँ पर आए हुए हैं और उनका भी उद्घाटन सत्र में होगा। तो किस तरह, जिस तरह विधानसभा है, लोकसभा है, राज्यसभा है, उनमें किस तरह कानून बनाए जाते हैं, जनहित के जुड़े सवाल किस तरह उठाए जाते हैं और एक शुद्ध वातावरण में डिबेट चले, चाहे वो कोई भी सदन हो, किसी राज्य की विधानसभा हो, पार्लियामेंट हो या फिर राज्यसभा हो, तो आपस में किस तरह जनप्रतिनिधि कनेक्ट रहे, किस तरह कानून बनाए जाए और किस तरह जो जटिलता या अन्य चीज़ें दूर हो, इस भावना से, इस मकसद से ये इसका गठन किया गया था। और उसके बाद लगातार अच्छे प्रोग्राम हो रहे, बात हम राजस्थान विधानसभा की करें तो सीपी जोशी ने कई नवाचार किए, प्रश्न काल हो चाहे वो 1 घंटे का, उसमें पूरक सवाल नहीं किया गया, दूसरे विधायक को सवाल नहीं पूछने दिया गया, ऐसे नए नए जो एक्सपेरिमेंट है वो नवाचार है, इस तरह ऑर्गेनाइजेशन के जरिए कह सकते हैं कि उनको धरती पर, धरातल पर उतारा जा सकता है और
इसी तरह की जो कॉन्फ्रेंस है वो भी आयोजन होती है, आपस में चर्चा होती है, तो इस मंथन से कई चीजें निकल कर आती है अलग अलग राज्यों में। मंथन से कई चीजें निकल कर आएंगी और वो देश की जो पार्लियामेंट है, विधानसभा है, उसमें कैसे जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दों पर हेल्दी प्रोसीडिंग्स हो, उस बारे में जरूर कुछ इस मंथन से निकलेगा, ऐसी उम्मीद हम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो अब से कुछ ही देर में ये सम्मेलन शुरू होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी अब से कुछ ही देर में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के सम्मेलन में पहुंचेंगे। अभी फिलहाल सीएम सर्किट हाउस में है, तमाम नेताओं से कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं।